सबसे पहले तो श्री बलराम रस यात्रा, श्री बलराम रास यात्रा, श्री बलराम जी की रास लीला के उपलक्ष्य में होती है। इसमें श्री बलराम जी, जब कृष्ण जो है दो बार रास लीला करते हैं, एक तो पतझड़ के महीने में और दूसरा है वसंत ऋतु में। तो भगवान जो वसंत ऋतु में रास करते हैं, और दोनों ही महीने में, एक तो वैशाख में भी रास करते हैं। तो ये जो कृष्ण रास करते हैं, उसी तरह से बलराम जी भी रास लीला करते हैं। तो बलराम जी की जो रास लीला है वो चैत्र वैशाख के महीने में होती है, और इसमें बलराम जी गोपियों को संतुष्ट करते हैं। तो इनकी जो गोपियां हैं ये अलग है, जो गोपियां कृष्ण की हैं उनके अलावा। तो ये बलराम जी भी रास लीला करते हैं, इसको श्री बलराम रास यात्रा कहते हैं। श्री कृष्ण वसंत रस भी आज तिथि है, उसके अनुसार आज ये भी तिथि है। दूसरा आज श्री वंशी वदन ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। तो वंशी वदन ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ये कौन है वंशी वदन ठाकुर जी। श्री वंशी वदन ठाकुर का प्राकट्य चैत्र के महीने में कुलिया में हुआ, टेगरी नाम का एक गांव है वहां पर। और श्रीकर चट्टोपाध्याय के पुत्र बिल्व ग्राम से बेचियन ग्राम आ गए, और इनके जो पुत्र में से एक थे युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय। तो युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय के तीन पुत्र थे, माधवदास, श्री हरिदास और श्री कृष्ण संपत्ति। तो जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तो जब बंगाल में आए जगन्नाथपुरी से, कि अपने मम्मी का दर्शन और अपने माता जी का दर्शन और गंगा नदी का दर्शन करने के लिए बंगाल आए चैतन्य महाप्रभु, तो वो माधवदास जी के यहाँ रुके थे। और इसी समय उन्होंने देवानंद पंडित, जिन्होंने कि श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर दिया था, उनके ऊपर कृपा की थी, क्योंकि उन्होंने वक्रेश्वर पंडित जो थे उनको बचाया था। तो आप ये देख सकते हैं कि वैष्णव सेवा करने वाले को चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा करते हैं। तो जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। कहानी ये होती है कि देवानंद पंडित कथा करते थे, कथाकार थे, भागवत कथाकार। तो एक समय ऐसा हुआ कि कथा चल रही थी और देवानंद पंडित ने देखा कि श्रीवास ठाकुर ने जब सुना, कुछ कुछ लीलाओं को सुन करके, भागवत की लीलाओं को सुन करके श्रीवास ठाकुर रोने लगे, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। तो उनके शिष्यों को लगा कि ये पागल हो गया है। तो श्रीवास ठाकुर को उठा करके इन्होंने कथा से बाहर कर दिया, इनके शिष्यों ने। देवानंद पंडित ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं। देवानंद पंडित को एक महाभागवत के प्रति अपराध करने का पाप लगा, और फिर देवानंद पंडित ने यही अपराध की वजह से चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु तीन प्रकार के लोगों के ऊपर कृपा नहीं करते। सबसे पहला तो वो व्यक्ति जो कि संन्यास ले लिया है, त्रिदंड धारण कर लिया है, लेकिन दूसरों की पत्नियों के प्रति आसक्त है, फिर भी वो अगर पर स्त्री गमन करता है, तो ये जो है
चैतन्य महाप्रभु को बर्दाश्त नहीं, दूसरा वैष्णव अपराध करने वाला या निंदा करने वाला व्यक्ति, वैष्णव अपराध करने वाला व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरा एक और है, तीन तीन लोगों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते हैं। नहीं, तो इसमें से एक अपराध इन्होंने देवानंद पंडित ने किया था। अब हुआ क्या कि देवानंद पंडित को इस अपराध से उन्मूलन के लिए वक्रेश्वर पंडित की सेवा करनी पड़ी। एक समय वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे, तो नाचते नाचते वो कई बार बेहोश हो जाते, आंसू गिर जाते, लार गिर जाता। हाँ, एक मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु कह रहे कि एक तो वो जो गुरु से कपट करता है, जो गुरु से कपट करता है उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते। दूसरा वो व्यक्ति जो कि सन्यासी होकर के भी नारी आसक्त हो गया है, और तीसरा वो व्यक्ति जो वैष्णव अपराधी। तो इसमें लेकिन ये चीज को समझना पड़ेगा कि जो प्रामाणिक गुरु हैं वो, उनसे अगर कोई कपट करता है, उनसे चीटिंग करता है, वो व्यक्ति फिर उस पर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते। तो फिर वक्रेश्वर पंडित एक समय नृत्य कर रहे थे, उनको भाव आ रहे थे, तो वो बार बार गिर जा रहे थे, तो देवानंद पंडित उनको पोंछ करके फिर से खड़ा करते कि वो फिर से नृत्य कर सके। तो ये जो सेवा इन्होंने, देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की, इसके वजह से देवानंद पंडित के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने बाद में कृपा की थी। तो ये जो अपराध भंजन पाठ है, ये इसी स्थान को माना जाता है। अपराध भंजन पाठ इन्हीं के घर, ये जो 7 दिन माधवदास जी के घर कुलिया में चैतन्य महाप्रभु रुके थे, तो वहीं पर उन्होंने देवानंद पंडित के ऊपर कृपा की थी। तो वंशी ठाकुर जो थे, ये वहीं पर प्रकट हुए माधवदास जी के घर। उनकी माता का नाम श्रीमती चंद्रकला देवी, और वंशी वदन ठाकुर जो है वो भगवान के बांसुरी के अवतार। हरे कृष्ण। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, है ना, मैं 1 मिनट। वंशी वदन ठाकुर के बारे में हम बता रहे थे। एक समय विष्णुप्रिया देवी जो है, और वंशी वदन ठाकुर, वंशी ठाकुर ने निर्णय लिया कि हम अन्न और जल अब ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहां से चले गए। लेकिन महाप्रभु इसको अनुमोदन नहीं किया उन्होंने, और स्वयं वहां प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि तुम लोग, वो तो वहां पर थे, जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे विग्रह की उपासना कीजिए। तो फिर विष्णुप्रिया देवी को चैतन्य महाप्रभु ने एक विग्रह दिया था। वो जो विग्रह है, वो चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, विष्णुप्रिया देवी भी जब चली गई भगवत धाम, तो फिर मायापुर से उसको कुलिया लेके आए, और फिर ये जो विग्रह थे ये बहुत ही सुंदर है, और इस समय ये नवद्वीप में पूजा हो रहे हैं। तो
इस विग्रह के नीचे, आजकल इसका नाम धामेश्वर महाप्रभु विग्रह है, इस विग्रह के नीचे वंशीवदन का नाम जो है लिखा हुआ है, वंशीवदन ठाकुर का नाम लिखा हुआ है। उन्हीं के एक वंशज थे रामचंद्र गोस्वामी। वो जब भग्न पर वहां पर आए तो जानवा माता की कृपा से, तो ये जो विग्रह थे इसको फिर नवद्वीप में वहां के मलांच के जो रहने वाले लोग थे उनको दे दिया गया था। और जो गोपीनाथ के विग्रह एक कुलिया में थे, वो वंशी के पूर्वज पूजा करते थे। और ये प्राण वल्लभ नाम के भी एक विग्रह उन्होंने स्थापित किए थे वंशी ठाकुर ने। तो अभी इन विग्रहों का पता नहीं है। वंशी ठाकुर बिल्वग्राम में कुछ समय रहे अपने रिश्तेदारों के साथ। उसके बाद इनके दो पुत्र थे, चैतन्य दास और नित्यानंद दास। चैतन्य दास के दो पुत्र रामचंद्र और सचिनंदन हुए, और रामचंद्र जो थे वो जानवा माता के शिष्य भी बने, और बाद में जानवा माता के पुत्र के रूप में भी उनको जानवा माता ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने भग्न पर में कनाई बलाई नाम के विग्रह, श्री श्री कृष्ण बलराम के विग्रह, उनकी पूजा स्थापित की। और रामचंद्र जो थे उन्होंने विवाह नहीं किया, और उनके भाई ने बाद में, और उनके ही जो शिष्य इत्यादि लोगों ने इस पूजा को आगे कंटिन्यू किया। वंशीवदन ठाकुर बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छे कवि थे, और उन्होंने एक गीत लिखा है जो कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे हैं उसके ऊपर है। और सती माता और विष्णु प्रिया विलाप कर रही हैं। ये भी कहते हैं कि रामचंद्र जो थे, रमाई जो कि चैतन्य दास के पुत्र थे, वो वंशी ठाकुर के फिर से अवतार थे, जो फिर से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को गाने के लिए आए थे। तो ये वंशी वदन ठाकुर के बारे में थोड़ा हमने चर्चा किया। आज एक और आचार्य का प्राकट्य दिवस है, वो है श्री श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है। श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों थे, और ये तीनों ही जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य थे। जीव गोस्वामी इनको टीचिंग करते थे, इनके दीक्षा गुरु अलग थे, कोई और जो उनको दीक्षा दिए थे अलग थे, लेकिन ये तीनों ही वहां पर। तो श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाए, तो अभी हम ज्यादा चैतन्य में हो। तो श्यामानंद, ठीक, तो ये यहीं तक हम चर्चा करेंगे। श्यामानंद प्रभु को अभी हम, इनके ऊपर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो ये चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे, हमारा समय अभी समाप्त होता है, तो इसके विषय में कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज यहाँ पर मेरे घर पे 13वीं का प्रोग्राम, ब्राह्मण भोज इत्यादि, और सारे वैष्णव लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो मंदिर से। और भक्त लोग आ रहे हैं।
तो अभी मैं उनकी सेवा में रहूंगा। और यहाँ कुछ ब्राह्मण भी आएंगे जिनका रहेगा। ठीक है, तो आप सब लोग श्यामानंद प्रभु के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं और श्यामानंद प्रभु के बारे में लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, कल से हम अपने वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको आगे करें। ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? किरण माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्षमा करना। प्रभु जी पंकज प्रभु आपके पास आ रहे, आप उनके ऊपर प्रभु जी दिल से ऐसा हाथ रखिए प्रभु, भक्ति में ऐसे आ जाएं प्रभु जी के बस प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा। हाँ, और अरे भी बहुत सारे भक्त अब चल रहे हैं, इटावा से भी भक्त आ रहे हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा है, सारे भक्तों का यहाँ पर अभी जमावड़ा रहेगा। ये तो भक्तों का कृपा है, इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। और बहुत सारे भक्तों ने कृपा किया है, मैंने तो बहुत सारे भक्तों को परेशान किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे।